बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के विपरीत एनएच चंडीगढ़ मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में पशुपालन विभाग द्वारा टैग किए गए बेसहारा गौवंश को छोड़ा जाता है। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश वाहनों के हादसे के शिकार हो जाते हैं, बल्कि कई दफा बेमौत भी मारे जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पालतू पशुओं का पंजीकरण अथवा टैगिंग करवाना अनिवार्य किया है। पशुओं की टैगिंग पशुपालन विभाग करता है व इसका रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर दर्ज होता है। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान का कहना है कि यह गंभीर मसला है, वे इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवाएंगी तथा प्रदेश सरकार को भी इस मुद्दे को उठाएंगी। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। एनस्टार न्यूज के लिए स्वाधार से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लावारिश पशु हमारे रोड पे घूम रहे हैं तो और उनके कानों पे जो टैग लगे हैं वो हमारी सरकार ने जो है फायदे के लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की गलती है जो कि लावारिश पशुओं को रोड पे इस तरीके से छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं प्रशासन को भी और जो भी डिपार्टमेंट्स अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी हो गया जैसे, और अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मजबूती से इसके बारे में बात करूंगी और उन्हें अवगत करूंगी ताकि एक टीम इस तरीके की गठित की जाए जो कि उन पे चेक रखे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हों।